हमारे नक्शे सदियों से हमारे पास पड़े हैं, लेकिन जिनसे हमने जुग्राफिया सीखा है वो 16वीं सदी का मर्कैटर प्रोजेक्शन है, जिसमें बराजीमों और समंदरों के रियल साइज को बदल कर न्यूगेशन के लिए यूज़ होने वाली लाइंस को वाजे किया है। तो एज अ रिजल्ट ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि ग्रीन लैंड अफ्रीका जितना है, साइबेरिया और कैनेडा हद से ज़्यादा बड़े हैं, जबकि अफ्रीका पूरे नॉर्थ अमेरिका से बड़ा है और अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा है। दुनिया की स्फीयर शेप को रेक्टेंगल शेप के मैप बनाने में हमेशा से मुश्किलात आने की वजह से इसमें काफ़ी चेंजेस होती रही हैं, लेकिन ऑर्थोग्राफ काफ़ी हद तक परफेक्ट है। तो आइए नज़र डालते हैं चंद कार्टोग्राफर्स पर जिन्होंने मैप बनाने की कोशिश की। ये मैप पोल्स के बारे में ज़्यादा बेहतर बताता है बजाय बराजीमों और समंदरों के। ये मैप एक ही वक्त में दुनिया का पूरा व्यू दिखाता है। दूसरे मैप्स के बरक्स इस मैप को बनाने में ना तो कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ हुआ है और ना ही कोई स्केल। इसे बस पूरी दुनिया की खूबसूरत तस्वीर दिखाने के लिए बनाया गया है। ये एक हार्ट शेप मैप है जो कि सेंटर से ज़्यादा हिस्से को कवर करता है, लेकिन जैसे जैसे बाहर की तरफ बढ़ता है अनरियलिस्टिक होता जाता है। ये बराजीमों को 3D में दिखाते हैं जबकि समंदर छोटे दिखाई देते हैं और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हाफ तकरीबन काट देते हैं। फाइनली नारोकावा का ऑर्थोग्राफ वर्ल्ड मैप, जिसने हाल ही में जापान के सबसे बड़े डिजाइन कंपटीशन में इनाम जीता था। ये मैप बराजीमों और समंदरों के तनासब को बरकरार रखता है, इतना कि आप इसे 3D ग्लोब में जोड़ सकते हैं। इसने दुनिया को 96 ट्रायंगल्स में डिवाइड करके और पानी और जमीन के तनासब को सेट करते हुए टेट्राड्रॉन पर पेश किया। फिर इसने टेट्राड्रॉन को एक रेक्टेंगल में खोला, जहां 96 हिस्सों से एक मैप बना जो रियल ग्लोब की सतह से काफ़ी मिलता जुलता है। तो बाकी मैप्स की तरह ऑर्थोग्राफ भी परफेक्ट नहीं है। इसके क्रिएटर्स ने भी ये बात तस्लीम की है कि इसको बेहतर बनाने के लिए एक और कदम की ज़रूरत है, ताकि इसे एरिया की इक्वल मैप कहा जा सके।